जनपद रामपुर थाना शहजाद नगर की पुलिस टीम और स्वाट टीम दोनों ने एक पूरा गैंग पकड़ा है जिसके 13 लोग पकड़े गए हैं। और इस गैंग का काम है कि ये इलीगल तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रामपुर जिले के गाँव में जाके जला देता था। इस पूरे गैंग की सूचना प्राप्त हो रही थी एक सब इंस्पेक्टर सुनील शर्मा और इनके साथ एक कांस्टेबल है संदीप, इन दोनों ने सूचना को डेवलप किया और कल थाना शहजाद नगर की पुलिस टीम को लेकर मौके से इन 13 लोगों को इन लोगों ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 गाड़ी पिकअप, 1 रिट्स कार और 50 कुंटल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, 1.5 कुंटल अधजला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बरामद हुआ है। सभी को गिरफ्तार करके और उचित धाराओं में जेल भिजवाया जा रहा है। ये लोग वेस्ट को जलाकर उसमें से जो कीमती धातु होती है तांबा या एल्यूमिनियम उसको निकाल कर बेचते हैं। और ये लोग उदयपुर जहांगीर के पास थाना मिलक क्षेत्र से इसको जलाते हुए पकड़े गए हैं। इन लोगों का बताना है ये जनपद रामपुर में कोई जगह है जहाँ से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भर के लेकर आते हैं। पुलिस टीम अभी पूछताछ कर रही है, इसका अगर कहीं और भी कोई लिंक है उसको खंगाला जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जलाना इसीलिए इलीगल है, इसीलिए उसके अगेंस्ट लॉ है। अभी 2016 में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डिस्पोजल के लिए रूल्स बनाए गए हैं क्योंकि ये जनमानस की हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है। अभी 2016 में ही नए रूल्स बन के आए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डिस्पोजल का पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे डिस्पोज किया जाए।